वेलकम टू इंडिया स्पोर्ट मूवमेंट गाइस। आज जैसा आपने पढ़ लिया, पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दो कारण। जैसा एक बार मैंने पहले बताया था कि करेंगे बात, तो क्यों करेंगे? क्योंकि पावर लिफ्टिंग को कभी वो रिकग्निशन नहीं मिला जो ये स्पोर्ट डिजर्व करता है। इसके एथलीट्स को वो रिकग्निशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं लोग। मैं बता दूं कि जो एथलीट्स आते हैं ज्यादातर बहुत ही लो लेवल से आते हैं, उनकी मेहनत उनकी कहानी कभी ऊपर आ ही नहीं पाती। ये स्पोर्ट में बहुत परिश्रम है, गवर्नमेंट ने कभी हाथ नहीं डाला, पर एक सिर्फ एथलीट का जज्बा रहता है, वो खेलता है, परस्यू करता है स्पोर्ट को। आज डिस्कस करेंगे कि गेम होता क्या है, क्यों करेंगे वो भी बता देता हूं। इसलिए करेंगे क्योंकि पावर लिफ्टिंग इंडिया, जो पावर लिफ्टिंग की ओरिजिनल फेडरेशन है इंडिया में, वो होस्ट कराती है हर साल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, उसका नाम होता है फेडरेशन कप। इस बार वो लकीली हो रहा है इंदौर में, तो भैया कैसे मौका छोड़ सकते थे। तो बात करी एमपी एसोसिएशन में, एमपी पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में, उनसे ली परमिशन और साथ में जाएंगे, कवर करेंगे। और इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े बड़े एथलीट्स आएंगे, सारे ऑफिशियल्स आएंगे, उनसे जाके पूछेंगे उनकी जर्नी, उनके लिफ्ट देखेंगे कैसे पहुंचे वहां तक, उनसे पूछेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने फेडरेशन पॉलिटिक्स में काफी बताया था ये फेडरेशन का खेल, और इससे एथलीट कैसे अफेक्ट होता है वो जरूर देखना, क्योंकि उससे आपका थोड़ा पॉइंट ब्रॉड होगा कि भाई वहां जाके क्या बात करेंगे। तो आज समझते हैं कि पावर लिफ्टिंग गेम है क्या और कितना परिश्रम है इस गेम में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। दो चीजें बताता हूं, पहला तो कि गेम क्या है, दूसरा कि आप लोग ये गेम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक जिम एंथुजियास्ट हैं, जिम जाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए गेम बना है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं गेम क्या है। गेम ऐसा है कि तीन लिफ्ट रहती है, ठीक है, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। ठीक है, स्क्वाट मतलब दंड बैठक, बेंच प्रेस जो अपन जिम में बेंच प्रेस लगाते हैं लेट कर बेंच प्रेस, और तीसरा रहता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट अभी 4-5 एपिसोड पहले जो अपन ने सीखा वो डेडलिफ्ट। तो तीनों लिफ्ट में तीन रेफरीज आपके सामने बैठेंगे, तीन अटेम्प्ट आपको हर लिफ्ट में मिलेंगे। समझिए, स्क्वाट लगाने गए तो 3 बार स्क्वाट लगाना रहेगा, उसमें से आपका जो सबसे बेहतरीन स्क्वाट रहेगा, सबसे बेहतरीन मतलब सबसे ज्यादा वेट जिसमें आपने उठाया होगा, वो आपका सिलेक्ट होगा। वैसे ही बेंच भी सिलेक्ट होगा, वैसे ही डेडलिफ्ट भी सिलेक्ट होगा, और आपका एक टोटल बनेगा। तो वो टोटल जो बनेगा उस हिसाब से खिलाड़ी जीतते हारते हैं, जो भी है वो टोटल के हिसाब से रहता है, अलग अलग टोटल सबके बनते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेंथ गेम है, क्योंकि सारे टोटल होके फिर खिलाड़ियों को नापा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें छोटी छोटी बारीकियां रहती है। कैसी बारीकियां? थोड़ा रूल समझिए। जैसे स्क्वाट आप लगा रहे हैं, तो स्क्वाट में आपको जब आप बैठ रहे हैं तो इतना बैठना है कि आपके हिप्स आपके नीज के नीचे आए और रेफरीज को विजिबल रहे, तब आपका लिफ्ट पास किया जाएगा। ऐसे ही जब आप उठे तो ऊपर नीचे नहीं हो, मतलब ऐसे ऐसे होके फिर उठेंगे तो फिर वो लिफ्ट फेल हो जाता है। उठे तो पूरे सीधे खड़े रहे, आपके नीज जो है हल्के से फोल्डेड नहीं दिखना चाहिए। बहुत बारीक बारीक रूल्स रहते हैं, सारे अभी डिस्कस नहीं कर रहे। वैसे ही बेंच प्रेस होता है। अब होता कैसे पहले वो समझिए। स्क्वाट ऐसा होता है कि रेफरी आपके सामने बैठता है, आप बार के पास जाते हैं, बार को उठाते हैं, फिर रेफरी बोलता है स्टार्ट, स्क्वाट बोलता है स्क्वाट, तो फिर आप स्क्वाट मारते हैं, आप बैठते हैं, आप उठते हैं, फिर रेफरी बोलता है रैक, तो आप उसको रैक कर सकते हैं बार, तो आप फिर आपका रेफरी डिसीजन देता है, व्हाइट लाइट्स पास, रेड लाइट्स फेल। ऐसे ही बेंच प्रेस होता है, बेंच प्रेस पे रेफरी आपको बोलता है स्टार्ट, कोई आके आपके हाथ में बेंच थमाता है, रेफरी फिर सब हट जाते हैं साइड में, फिर आपको बेंच लगानी रहती है, तो रेफरी बोलता है स्टार्ट, तो आप बेंच को नीचे लाओगे, सॉरी बेंच को नहीं, रॉड को नीचे लाओगे
और जब रेफरी बोलेगा प्रेस तो आप उसको प्रेस करोगे, और रैक बोलेगा रेफरी तो आपको उसको वापस रखना है। बड़ा सिंपल है। डेडलिफ्ट इससे भी सिंपल है। डेडलिफ्ट कैसे होता है, जब आप बार से कॉन्टैक्ट लगा लेंगे, बार के पास पहुंच जाएंगे तो रेफरी का हाथ उठेगा, तो आप जब लिफ्ट लगा लेंगे, कोई कमांड नहीं मिलता, आप जब लिफ्ट लगा लेंगे, डेडलिफ्ट लगा लेंगे, रेफरी बोलेगा डाउन तो आपको बार को रखना है। ऐसे आपका टोटल कैलकुलेट होता है। स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बनते हैं, अब वो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, फिर विल्क्स अगले कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, आपको मैथमेटिक्स में मैं नहीं फंसाना चाहता यहाँ पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नहीं डिस्कस करी है वो है कि पावर लिफ्टिंग में भी दो टाइप से पावर लिफ्टिंग होती है, एक होती है इक्विप्ड और एक होती है अनइक्विप्ड। अनइक्विप्ड को बोला जाता है क्लासिक, ठीक है। इक्विप्ड जो होती है, इक्विप्ड में आप ऐसी कॉस्ट्यूम्स पहन सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा उठाने के लिए 30-40 किलो 60 किलो सबका डिफरेंट रहता है, कितना बेटर आप वो कॉस्ट्यूम को यूज कर सकते हैं। जैसे स्क्वाट की एक कॉस्ट्यूम आती है तो वो आपको बैठने नहीं देती, अब जब आप उस पर वेट डालोगे फिर बैठोगे तो वो दबेगी कॉस्ट्यूम और आपको ऊपर फेंकेगी। उसमें रैप्स यूज होते हैं इक्विप्ड में, ऐसे ही अनइक्विप्ड जो क्लासिक रहता है उसमें आप नी रैप्स यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत इसमें भी डिफ्रेंसिएशन है पावर लिफ्टिंग में, पर ये सब आप कब समझ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये आप समझ सकते हैं जब आप ये स्पोर्ट से जुड़ें। अब आप प्रॉपरली जुड़ें, जुड़े कैसे वो समझते हैं। जुड़े ऐसे कि देखो यार, जिम सब करते हो, अगर इंटरेस्ट है कहीं खेलने का, और मैं बोलता हूँ कि जिम वाले के लिए तो सबसे बेस्ट गेम यही है। क्यों है, क्योंकि आप लगाते हो डेडलिफ्ट जिम में, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्क्वाट लगाते हो बड़ा इंटरेस्ट आता है। ये आपको सीखना है अच्छे से सीखना है, अपना जिम अच्छे से करना है, मेहनत अच्छे से करनी है। फिर आप जाइए कहीं पे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सारी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मिलेगी, चाहे इंडिया में कहीं की भी बात कर लो, वहाँ जाके थोड़ा कॉन्टैक्ट करो, पता करो गेम के बारे में। एक बार आप खेल लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे गेम चलता है, कैसे आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। अपडेट्स आती रहेंगी, अगला कॉम्पिटिशन कब है, धीरे धीरे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1-2 साल, उसके बाद आप समझ जाओगे कि गेम कैसा है, फिर आप इसको अच्छे से खेल सकते हो प्रॉपरली। एक एथलीट की नज़र से आप समझ सकते हो कि गेम में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, और कैसे कैसे ये दिक्कतों को हम साइड में भी कर सकते हैं। ये सब बातें आज करना ज़रूरी थी। अब बात करें अगले एपिसोड की, तो यार देखो, मैंने ब्लॉगिंग कभी करी नहीं है, कोशिश मैं पूरी करूंगा ब्लॉगिंग करने की, कि आपको अच्छा लगे, और मेरे लिए भी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, पर आपको अच्छा लगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। काफ़ी ऑफिशियल आएंगे जैसा बताया मैंने, तो काफ़ी बातें करेंगे, कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे जाके, उनका भी तो मन होना चाहिए देने का इंटरव्यू, तो बात करेंगे। यही था आज का एपिसोड, यही आपके लिए लाया था ये। अगर आप एक एथलीट हैं और अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ और फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं भी चाहे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कॉल भी एक काफ़ी है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, 400 का शायद मार्क अभी भी हिट नहीं हुआ है, अगर हिट हो गया तो थैंक यू, नहीं हिट हुआ है तो कर दीजिए, मैक्सिमम मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए बात फैलाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इंडिया स्पोर्ट मूवमेंट, द रिवॉल्यूशन वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू स्पोर्ट्स इन इंडिया। नमस्कार।